राजस्व कानून में सरकार के द्वारा किए गए संशोधन के विरोध में पटवार कान्नुगो महासंघ ने आवाज बुलंद कर दी है और हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में पटवार कान्नुगो महासंघ के पदाधिकारियों ने इकट्ठे होकर एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा और संशोधन के तहत दिए गए निर्णयों के तहत काम नहीं होने का हवाला दिया है। पटवार कानूनगो संघ की जिला प्रधान मीना शर्मा की अगुवाई में दर्जनों पटवारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द इस निर्णय पर विचार किया जाए, अन्यथा पटवार कानूनगो संघ के पदाधिकारी आंदोलन को तेज कर सड़कों पर उतरेंगे। इस अवसर पर पटवार कानूनगो संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कपूर भी मौजूद रहे। सर, मैं मीना शर्मा, प्रधान डिस्ट्रिक्ट इकाई जिला हमीरपुर की। सर, जो हाल ही में संशोधन हुआ है हमारे एक्ट में, 1954 के एक्ट में 69 सालों बाद संशोधन हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो पटवारी कानूनों के ऊपर थोपा गया सारा संशोधन और टाइम बॉन्ड किया गया सारा कार्य, जो तकसीम उसमें निशानदेही, उसमें जो भी रेवेन्यू कवर का जम बंदी वगैरह, उसको टाइम बॉन्ड किया गया है, उस जो कि तर्क संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त पटवारी कानूनों के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा बोझ है काम का, जैसे कि स्वामित्व, पीएम किसान स्वामित्व योजना और ब्रांड बेदखली, हर कुछ मतलब पटवारी कानूनों ये को ही करना पड़ता है मौके का। और जो अदर डिपार्टमेंटों का कार्य है वो भी पटवारी कानूनों के ऊपर सौंपा गया है, तो इसमें टाइम बाउंड काम जो हमें संशोधित कर रहे हैं उसको नहीं हो पाएगा, क्योंकि 45 निशानदेहियाँ एक महीने में नहीं हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कान को खींच तान करके करेगा तो ये मैदानी इलाके हैं, तो ये 10 या 15 के बीच हो सकती हैं, लेकिन 45 निशानदेहियाँ कभी भी किसी भी इस टाइम बाउंड में नहीं हो सकती हैं। और सर, हम ये चाह रहे हैं सरकार से कि हम पटवारी कानूनों के लिए भी एक अलग से कानून बनाया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि एक दिन में पटवारी कानूनों कौन सा कार्य और कितने दिनों में और कौन सा पहले करेंगे, पहला काम कौन सा होगा, उसके बाद कौन कौन सा कार्य करेंगे। इसके लिए हमें भी उस एक्ट में संशोधन किया जाए पटवारी कानूनों को। धन्यवाद। अगर सरकार नहीं मानती है हमें टेबल डिस्कस के लिए, हम आज SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो अगर सरकार हमें टेबल डिस्कस के लिए नहीं बुलाती है तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतारू हो जाएंगे और हमें विवश होकर सड़कों पर आना पड़ेगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।